वेलकम बैक टू मी चैनल गाइस, मैं आप सबकी टाइट नीति टाइट। तो आज हम अपने इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं स्किन 2021 पर। तो ये वीडियो अपलोड किया गया है सम्राट की पाठशाला पर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हाल है? तो फाइनली पबजी वापस आ ही गया क्यों ना, पर इस बार बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से वापस आया। और 18 तारीख से तो प्री रजिस्ट्रेशन भी होने वाले हैं। तो इस बार आपको ईद की ईदी तो मिली गई, और ईदी तो हमारे सैमरॉन भाई ने भी दी है आप लोगों को, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भाई साहब बात करते हैं राधे की। तो पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी राधे मूवी के रिगार्डिंग, वो वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई। क्या मतलब, वो एक रोस्ट वीडियो थी? ना ना, रोस्टिंग नहीं थी वो। बताओ, हम उसको बेस्ट मूवी बोल रहे हैं और तुम उसको रोस्ट वीडियो बता रहे हो? तो फाइनली मैंने राधे मूवी देखी, और मूवी को देखने के बाद मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज आई थी कि ट्रेलर ज्यादा बढ़िया। अरे क्या बना दिया था सैमुअल भाई ने, सुना है काफी अच्छी ओपनिंग मिल गई इस मूवी को। लेकिन क्या फायदा, हम सबका तो कट गया ना। इस बार सैमुअल भाई ने सारे हथकंडियां अपना दिए भाई साहब। अपने ब्रांड का प्रमोशन कर दिया, अपने घर का प्रमोशन कर दिया, अपने दूसरे घर बिग बॉस का प्रमोशन कर दिया। बिग बॉस, हमारे सैमुअल भाई का मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने बिग बॉस के भी कंटेस्टेंट का इस मूवी में भला कर दिया। भाई साहब सैमुअल भाई बहुत दयालु, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का भला कर दिया, अपनी मुंह बोली गर्लफ्रेंड का भला कर दिया। लेकिन इतनी भलाई करने के बाद हमारे भाई का तो कट गया ना भाई साहब। सोनू सूद तो यूं ही बदनाम है, असली भलाई तो भाई कर रहे हैं। चल अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं भाई से जलता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्यार करता हूँ मैं भाईजान से। मैं तो भाई के नाम का टैटू करवाने जा रहा था, वो तो आंधी आ गई इस वजह से मैं जा नहीं पाया। विश्वास ना होगा, अपने ब्लॉगिंग चैनल में जाकर देख लो, उसमें आंधी आई थी भाई। गजब बेइज्जती है, हमारा भाई मेहनती बहुत है भाई साहब। अब यूं लगा लो कि इस एज में भी भाई ने अपने सिक्स पैक एब्स मेंटेन कर रखे हैं, मजाक की बात है। भाई ने बॉडी बनाने में इस बार इतनी मेहनत करी है, उनकी जो टुंडी है ना, अरे बोले तो बेली बटन ना भी, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है भाई साहब। इस रफ्तार से भाई अगर मेहनत करते रहे ना तो कहीं उनकी ना भी छाती पे ना जाए। हेटर्स तो यही बोलेंगे कि ये बॉडी VFX से बनाई है। अबे जलती हो तुम सैमुअल भाई से। फिर तो तुम ये भी बोलोगे कि ये सब फाइट सीन और स्टंट सैमुअल भाई की बॉडी डबल ने किए हैं। हाँ चलो ठीक है, बॉडी डबल ने किए हैं, पर इसका मतलब तुम सैमुअल भाई को क्रेडिट नहीं देना चाहते? कैसे इंसान हो भाई? छी इस साल बहुत कांड हो रहे हैं भाई साहब। लोगों को लग रहा था इस बार RCB जीत जाएगी, लेकिन IPL ही बंद हो गए। ये लोग नहीं चाहते भाई साहब RCB IPL जीते। बताओ IPL ही बंद हो गए, भाई आदमी करे तो करे क्या, स्कैम है ना, है ना ये स्कैम? ना ना ना, असली स्कैम तो ये है। हॉट
चूतिया, महाचूतिया, सिनों से फिर आ जा। और अच्छा हाँ यार बात बोलिए बंदे ने, देखा देखा क्या बात बोली है। सोन में तो मेरे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने जो अठारह यो करके जो कहा है ना, ये दिल को छू गई भाई साहब। क्या एक्टर है भाई, वैसे बोला क्या था जुजिंदर ने, छोड़ो अपने को क्या है। और यही चीज डांस के चैनल पर भी अप्लाई होती, जब किसी फॉरेनर का कैरियर चल नहीं रहा था तो वो बॉलीवुड गाने में डांस करना शुरू कर देता है। सेम एज सिंगिंग में, डांसिंग में, इंस्ट्रूमेंटल कोई सा भी उठा लो, मतलब फॉरेनर बंदे ऐसे ऐसे गायकों को ज्ञान देते हैं जिनकी साले औकात नहीं है, लेकिन लोग हैं अपने यहाँ के, उन्हें सुनने में मजा आता है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों की नजर में इंडिया एक खुला बाजार है, तो कुछ लोग आपको तारीफ करते हुए नजर आएंगे और कुछ लोग आपको गालियां देते हुए नजर आएंगे। क्यों गाली देते हैं पता है, सीधी बात है, अटेंशन पाने के लिए। कमाल की बात है वो उनको मिल भी रहा है। अब चाहे आप जाकर उनको गाली ही दो, इससे बढ़ तो उनका एंगेजमेंट ही रहा है ना। आप अटेंशन देना छोड़ दो, बस बात खत्म। अब हर कोई आपके देश की तारीफ करे ये पॉसिबल तो है नहीं ना, उनको क्या पता इंडिया और इंडिया के लोगों के बारे में और इंडियंस के योगदान के बारे में। तो आओ इनको थोड़ा इंडिया की शेयर कराते। तो भैया सुनो, जीरो जो अपने आप में कुछ भी नहीं है लेकिन किसी के पीछे लगा दो तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। उसका आविष्कार करने वाला था एक इंडियन, आर्यभट्ट, नाम तो सुना ही होगा। अभी और सुन, 2009 तक दुनिया के 90% से ज्यादा कंप्यूटर जिस पेंटियम चिप पे वर्क करते थे उसे डेवलप करने वाला था एक इंडियन, विनोद धाम। अभी और सुन, जिस वाईफाई के मजे लेते हो ना वो शायद आज सपना ही होता अगर वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार ना हुआ होता। इस वायरलेस कम्युनिकेशन का भी आविष्कार करने वाला भी एक इंडियन ही था, सर जगदीश चंद्र बसु, नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा जाता है। अभी और सुन, सोचो अगर आपके पीसी में यूएसबी पोर्ट ना होता और पेन ड्राइव वगैरह नहीं होती तो आज भी आप फ्लॉपी और डीवीडी घुसा रहे होते अपने पीसी में। उसी यूएसबी पोर्ट का आविष्कार करने वाला भी एक इंडियन ही। अभी और सुन, आप सुबह नहाते होंगे, अपने बाल शैम्पू से धोते होंगे, उस शैम्पू का आविष्कार करने वाले भी है इंडियन। अभी और सुन, आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत आम हो गई है, किसी को भी अपने नाक ठीक करानी है, होंठ ठीक करानी है, बहुत जाते हैं डॉक्टरों के पास सर्जरी करवाने। तो ये चीज शायद एक सपना ही रह जाती अगर इनमें एक भारतीय अपना योगदान नहीं देता। सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, उनके बनाए गए ऑपरेशन करने के तरीके आज भी दुनिया भर में यूज किए जाते हैं। कर्व निडल से आपको ऑपरेशन दुनिया को सिखाने वाला यही भारतीय था। अभी और सुन, फिट रहना किसी अच्छा नहीं लगता, बट बिना जिम जाए भी फिट रहा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ योगा। दुनिया को योगा का पाठ पढ़ाने वाला भी था इंडिया। अभी और सुन, अपना अपमान होने पर रोल्स रॉयस जैसी कंपनी की गाड़ी खरीद कर उसे नगर पालिका में देकर झाड़ू लगवाने वाला भी एक इंडियन ही था, राजा जयसिंह, नाम तो सुना ही होगा। अभी और सुन, इस दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों के सीईओ आपको मोस्टली इंडियन ही मिलेंगे। अभी और सुन, एक साथ 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा के रिकॉर्ड बनाने वाले भी इंडियन ही है। अभी और सुन, दुनिया को चेस से इंट्रोड्यूस कराने वाले भी इंडियन ही। अभी और सुन, दुनिया को बटन देने वाले भी इंडियन ही थे। अब बिना बटन के शर्ट कैसे बंद करते। अबे हमारा पंगा कुछ टिकटोकियों से हो गया था तो हमने इंडिया से टिकटॉक का पूरा विस्तार ही बंद करवा दिया। तुम एक छोटी सी वीडियो को लेके परेशान हो गए, जान दो। आदमी को कहीं करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो, उसके मुंह लगोगे अपने बराबर बैठा अच्छा लगेगा। तो भावे मत दो चाचा, अपने आप इतने हल्के मत लिया करो बे। और अब तक रुके गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में जो घंटा है उसे दबा लो और ऑल सेलेक्ट कर लो। इसी बहाने कुछ तो दबाओगे, गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं तुम्हारी। अरे देख क्या रहे हो, दबाओ भाई, आज माहौल थोड़ा गर्मा गया है। छोड़ो आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आपको शॉर्ट्स और ब्लॉग देखना पसंद है तो हमारे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां मैं लोगों को आंधी दिखाता हूँ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जमवायदा सम्राट शुक्ला। वाओ, ये वीडियो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मजा आया। ये सम्राट की जो पाठशाला होती है इनकी हर एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज इस वीडियो में देख के बहुत कुछ जानने को भी मिला और बहुत कुछ समझ में भी आया, और हाँ बहुत ज़्यादा समझ में आया और बहुत कुछ जाने भी इस वीडियो को देख। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ आप हमें कॉमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपको नेक्स्ट सेक्शन वीडियो किस पर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।